जिम्मेदारियां निभाने में नंबर वन, हीरोपंती दिखाने में नंबर वन। और अब अपने फैंस को अपने डांस मूव्स दिखाकर मेंटल करने में भी नंबर वन बनने वाले हैं देव शर्मा, जिनके घर आज पहुंच गई हैं सास बहू और बेटियां, वो भी नए जमाने के साथ यानी कि डिजिटली। जी हाँ, कोविड सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आज देव शर्मा सास बहू और बेटियां संग कर रहे हैं मस्ती डे आउट, जहाँ वो अपने घर की सैर करा रहे हैं, माँ के साथ रसोई में हाथ बटा रहे हैं, अपने आप को फिट रखने के लिए कसरत कर रहे हैं और हाँ, साथ ही जिंदगी में एंटरटेनमेंट फैक्टर लाने के लिए कर रहे हैं मस्ती भरा डांस भी। हाय गाइस, मैं हूँ देव शर्मा और आज हम बात करेंगे मेरे डेली रूटीन की और साथ में हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी इन बॉलीवुड, और मैं साथ में आपको अपने घर का एक प्यारा सा टूर भी दूंगा। बॉलीवुड फिल्म यारियां से अपने करियर की शुरुआत करने वाले देव शर्मा ने हीरोपंती, मुजफ्फरनगर, आभिजा ओपिया जैसी फिल्मों में काम किया है और अब हाल ही में उनका एक म्यूजिक एल्बम भी आने वाला है जिसका नाम है मेंटल, जिसके टीजर ने आते के साथ ही धमाल मचा दिया है। वेल, मेरा जन्म फरीदाबाद में हुआ, दिल्ली NCR, और एक्टिंग की रुचि आई बिकॉज मेरे नाना जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डायरेक्टर थे, तो उनके साथ रह के गर्मियों की छुट्टियों में उनके पास जब भी आते थे हम लोग, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था, उनसे बातें सुनते थे हाउ ऑल दीज सीनियर एक्टर्स यूज टू परफॉर्म, जो आज बॉलीवुड में बहुत बड़े दिग्गज नाम है, तो चाहे वो अनुपम खेर जी हैं, चाहे परेश रावल जी हैं, चाहे नसीर साहब हैं, अनु कपूर जी, सतीश कौशिक जी, नादिरा बब्बर जी, राज बब्बर जी, स्मिता पाटिल जी, तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं नाना जी के आज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और इनके जो जर्नी थी सक्सेस की वो हम देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे नाना जी की जुबानी, तो उसी दौरान इट वॉज क्वाइट फैसिनेटिंग फॉर मी उनके बारे में जानना सुनना, और मुझे लगा कि आई थिंक मैं भी चाहूँगा कि इसी करियर में अपने आप को परस्यू करूँ, तो वहाँ से वो शुरुआत हुई। और NSD में मैं गर्मियों की छुट्टियों में जब मैं दिल्ली आता था तो NSD में जाके वर्कशॉप्स करता था, वहाँ से फिर जब देखा सबने, घर वालों ने, कि मुझे काफ़ी रुचि है एक्टिंग में, तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कि अब लड़के को बॉम्बे भेज दें, तो वहाँ से मैं मुंबई गया, किशोर नमित कपूर काफ़ी फेमस एक्टिंग इंस्टीट्यूट है उनका मुंबई के अंदर, वहाँ जाके मैंने एक्टिंग सीखी। एक्टिंग सीखने के बाद नादिरा जी के यहाँ, नादिरा सजीव बब्बर जो थिएटर की क्वीन कहलाती हैं, राज बब्बर जी की वाइफ, उनके यहाँ पर मैंने थिएटर किया करीब 2-3 साल, उसके बाद कुछ कमर्शियल एड्स किए, एंड देन आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे राकेश रोशन जी को असिस्ट करने का मौका मिला, कृष श्री ने, तो वो किया, उसके बाद जाके कहीं मुझे मेरी पहली फिल्म यारियां काफ़ी सारे ऑडिशंस के बाद मिली, और वहाँ से जर्नी काफ़ी स्मूथ हो गई, बहुत ईजी हो गई। एंड ऑफकोर्स सारा क्रेडिट मैं मेरे पेरेंट्स को दूंगा, मेरे बड़े भैया को दूंगा, ऑल माई रिलेटिव्स, तो या दीज आर द थिंग्स अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग। आई लाइक वर्किंग आउट, मुझे बहुत पसंद है, और लोगों से मिलना, किताबें पढ़ना, ये सब चीज़ों की रुचि रखता हूँ। वर्कआउट का जो मेरा क्रेज़ है ये मेरे छोटे मामा, उनसे मेरे अंदर आया, वो बहुत ज़्यादा अपने ज़माने में ही वॉज अ प्योर वेजिटेरियन, तो उसके रहते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छी फिजिक बनाई थी, तो उनसे बहुत इंप्रेस होते थे उनकी पर्सनैलिटी से, तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, वर्कआउट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो शायद मैं किसी और फील्ड में भी होता तो मैं ज़रूर अपने वर्कआउट पर तो बहुत ध्यान देता। और अब मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, चलिए माय लिविंग एरिया, जहाँ पे बैठ के हम लोग न्यूज़ देखते हैं आज तक पे, और चाय पे खूब सारी चर्चा होती है, एंड दिस इज़ माय फिश एक्वेरियम, इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं कम। ये है हमारा डाइनिंग एरिया, और ये है हमारा किचन एरिया जहाँ पे हम खूब सारे स्मूदीज और हेल्दी फूड बनाते हैं। दैट्स माय मॉम, मामा से हेलो। That's my mom and she has made kadi chawal today, which I'm gonna have. Kadi chawal अच्छे होते हैं health के लिए, दही, बेसन और राइस, which is good, good carbs. ये हमारा मंदिर है जी, and these are the 3 bedrooms, 1, 2 and 3. तो चलिए अब बात करते हैं मेरे रूटीन की। मेरा डेली रूटीन बहुत सिंपल है, मैं सुबह उठ के योगा करता हूँ, योगा करने के बाद काढ़ा या फिर कोई एक ऐसी चीज़ जिससे फैट भी बर्न हो, एम्प्टी स्टमक उसे कंज्यूम करता हूँ, उसके बाद कुछ हेल्दी चीज़ें खाता हूँ, प्रोटीन शेक पीता हूँ और स्मूदीज़ बनाता हूँ,
कोशिश करता हूँ कि मैं कैलोरीज इनटेक थोड़ा सा कंट्रोल में रखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं आजकल, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं. तो या दैट इज़ समथिंग आई डू एवरी डे. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब भी कुछ मुंबई से कॉल आता है किसी ऑडिशन का या लुक टेस्ट का, तो फिल्टर आए के घर से बना के उसको भेजें अच्छे से. तो इस तरह का रूटीन रहता है. एंड ऑफ कोर्स आप सबकी तरह मैं भी वेट कर रहा हूँ कि ये लॉकडाउन ख़त्म हो, सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो और हम फिर से काम करें और आपको वापस से एंटरटेन करें. हाय गाइस, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफ हेल्दी रूटीन की, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा हेल्दी इनटेक. हमारी जो डाइट है वो बहुत हेल्दी होनी चाहिए. और मैं आपको 5 मिनट में एक बहुत ही हेल्दी प्रोटीन शेक स्मूदी बना के दिखाता हूँ, जो आप घर पर तैयार कर सकते हैं. एंड इट इज़ अमेजिंग, फुल ऑफ प्रोटीन विद गुड कार्ब्स एंड इट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी. कम लेट्स हैव अ लुक. गाइज, हो गया है हमारा प्रोटीन शेक तैयार. अब इसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि कैसा बना है. जैसा कि आप देख सकते हैं, टुक हार्डली 2 मिनट्स और 2 मिनट में ये प्रोटीन शेक हो गया है तैयार. अमेजिंग. हाय गाइज, ये है मेरा फिश एक्वेरियम. इसमें आई हैव 9 फिशेज जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी हैं मुझे, और प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ लक, सक्सेस और बहुत सारी खुशियाँ लेके आती हैं घर में. तो वी शुड ऑलवेज हैव अ फिश टैंक इन आर हाउस. मैं बहुत बिलीव करता हूँ बाथरूम में. और इसका प्लेसमेंट भी एक पर्टिकुलर जगह पे होता है, जैसे जो आपका लिविंग एरिया होता है, लिविंग हॉल होता है, उसका जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है जो कि अग्नि का स्थान होता है, वहाँ पे अगर आप एक वाटर रिलेटेड एक फाउंटेन या बुद्धा की तस्वीर या फिर एक फिश एक्वेरियम लगाते हैं, तो घर में बहुत ज़्यादा काम वातावरण रहता है, बहुत ही शांत वातावरण रहता है. और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसकी पॉजिटिव. लेट्स टॉक अबाउट कोरोना. आई थिंक सभी लोग कोरोना के बारे में अब अवेयर हो चुके हैं. बताने की ज़रूरत नहीं है कि मास्क पहनना कितना ज़रूरी है, सैनिटाइज करना कितना ज़रूरी है, बट क्योंकि करना है तो करना है. क्योंकि अभी तक पूरी तरह से हमारे देश से कोरोना नहीं गया है, तो वी हैव टू टेक ऑल द सेफ्टी मेजरमेंट्स. और जिसका भी नंबर आ रहा है, जिनको भी मौका मिल रहा है, प्लीज़ वैक्सीन लगाएं. उसके दिमाग में जो मिथ है उनको बाहर कीजिए कि इससे हमें साइड इफेक्ट होंगे. इट विल ओनली इम्प्रूव योर इम्यून सिस्टम. तो जिनको भी मौका मिल रहा है, जहाँ से भी मौका मिल रहा है, प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करते रहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अभी हमारा हेल्दी रहना. और ये एक छोटा टाइमिंग कह सकते हैं कि एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाएगी, तो इसमें अपने आप को भारी नुकसान ना हो, इसलिए सारे प्रिकॉशंस हमें लेने की ज़रूरत है. और आई बिलीव कि विद इन अ मंथ हम लोग बैक टू नॉर्मल लाइफ आ जाएंगे, अगर हम लोग सब वैक्सीन टाइम से ले लें तो. प्लीज़ गाइज, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अनुपुर माउची, मुंबई आज तक.